हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे आप मेरे जैसा और मनोज जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हो। सो दोस्तों, कैसे बनाना है थंबनेल, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका वीडियो को वायरल करने आपका थंबनेल अच्छा से अच्छा होना चाहिए। ऑडियंस आपका थंबनेल सबसे पहले देखता है, उसके बाद आपका वीडियो पर क्लिक करता है। ऑडियंस जितना बार वीडियो पर आपका क्लिक करेगा, यूट्यूब आपका वीडियो को खुद ही सजेस्ट में भेज देगा, इससे आपका वीडियो वायरल हो जाएगा थंबनेल के चलते। सो दोस्तों, थंबनेल बहुत अच्छा बनाना है, तो कैसे बनाना है थंबनेल अच्छा, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर या तो ऐप स्टोर से पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद कुछ ऐप का इस प्रकार का इंटरफेस होगा। उसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होगा दोस्तों, पेंसिल के बगल वाला ऑप्शन पर डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट कर दीजिए एक बार, ओके कर दीजिए। उसके बाद हमें यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। यहाँ पर ऊपर में आपको दिख रहा होगा तीन बिंदु का डॉट, उस पर क्लिक कर दीजिए। हमें इमेज साइज से पहले सेलेक्ट कर लेना है, इमेज साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कस्टम पे होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। हमें यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। देखिए, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, हमें थंबनेल बनाना है यूट्यूब का। थंबनेल यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। हमारा बन गया यूट्यूब का थंबनेल, देखिए यहाँ पे सेव बन गया हमारा यूट्यूब का थंबनेल का। उसके बाद हमें ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कलर बनाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कलर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जितना सारा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे मैं एक कलर सेलेक्ट कर लिया ये वाला, उसका सही कर दीजिए। उसके बाद बीच वाला ऑप्शन पर आ जाइए, उसके बाद इम्पोर्ट वाला ऑप्शन होता होगा, इम्पोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक आपको PNG इमेज लेना है अपना, जिस तरह आपका फोटो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ ये वाला, एक PNG इमेज, जैसे देखिए मैं ये PNG इमेज ले लिया, इसका थोड़ा क्रॉप कर लीजिए इसको और एक साइज सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल दीजिए अपना थंबनेल में। उसके बाद हमें इसका, हमें इसको लॉक लगाना कि इधर उधर हिले ना, देखिए हिले ना भी, लॉक लगाने के बाद हिलेगा नहीं, हमें इसको लॉक लगाना है। यहाँ पे सब तीन बिंदु को, तीन बिंदु के ऊपर नीचे में ऑप्शन होगा लेयर्स का, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ताला लगा दीजिए अपने फोटो से, देखिए अभी इधर उधर हिलेगा नहीं। उसके बाद फिर से इम्पोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी PNG इमेज ले लीजिए, जैसे कि हमें बनाना है यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं। देखिए ये यूट्यूब का PNG इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, क्रॉप कर लीजिए। देखिए यूट्यूब का हमें बन गया यूट्यूब का, देखिए दोस्तों हमारा यूट्यूब का PNG इमेज आ गया, देखिए यहाँ पे। इसके बाद लिखना है हमें यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, डबल टैप कर दीजिए, ऑन हो जाएगा। इसके बाद लिखिए जो आपको लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ YouTube का थंबनेल, YouTube का थंबनेल मैंने लिख लिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए YouTube का थंबनेल। उसके बाद हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर देना है इस टेक्स्ट पे। यहाँ पे इस थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए स्क्रॉल वाले ऑप्शन पे, कलर का ऑप्शन होगा, कलर को पीला कर दीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है कलर पीला कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, इसको AB लिखा होगा फॉन्ट नाम का, फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है, जो अच्छा रहा आपको अच्छा लग रहा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब वरना बोल्ड, हमें हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। हम देखें हमारा यूट्यूब का थंबनेल बोल्ड हो गया। उसके बाद हमें लिखना है यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं, फिर से डबल टेक्स्ट कर दीजिए, ऑन कर लीजिए। उसके बाद लिखना है हमें यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं, कैसे बनाएं लिखना है, कैसे बनाएं, हो गया हमारा। उसके बाद फिर से ये बड़ा कर लीजिए, फिर से उसी तरह कलर कर दीजिए, वाइट ही अच्छा लग रहा है इस पर। उसके बाद हमें फॉन्ट चेंज करना है, ब्लैक कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए सॉरी। उसके बाद देखिए हमारा बन गया यूट्यूब का थंबनेल कैसे बना है। उसके बाद हमें फ़िल्टर देना है इसमें, यहाँ पे सबसे लास्ट में पांचों ऑप्शन होगा नीचे में, इस पर क्लिक कर दीजिए टॉर्च जैसा। उसके बाद विनिटी हो गया, हमें चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, नॉइज़ हो गया, देखिए नॉइज़ पे थोड़ा ब्लर आ गया हल्का हल्का। उसके बाद स्ट्रिप्स हो गया, लाइनिंग आ जाएगा आपका थंबनेल के ऊपर, देखिए लाइनिंग आ गया। उसके बाद हमें ब्राइटनेस बढ़ाना है या तो घटाना है, देखिए ब्राइटनेस बढ़ गया, ब्राइटनेस घट गया, ब्राइटनेस बढ़ गया, ब्राइटनेस घट गया, इस यहीं से आप ब्राइटनेस कम और बेसी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इसका टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट हमें इसका घटाना है, बढ़ाना है, देखिए। उसके बाद हमें कलर चेंज करना है थंबनेल का, देखिए यहाँ पे कर दीजिए यहीं से कलर थंबनेल चेंज। उसके बाद हमें गलत ही हो गया, उसके बाद अंडो करना है हमें, ऊपर में प्लस के नीचे वाला ऑप्शन होगा, देखिए उस पर क्लिक कर दिया रुपये, देखिए सारा अंडो हो जाएगा, सारा चीज़ अंडो हो जाएगा। हमें फिर कैसे बनाएं, देखिए सब चीज़ अंडो हो गया इसमें। उसके बाद हमें YouTube का थंबनेल पे ताला लगाना है, वापस से लेयर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर से ताला लगा दीजिए दोनों में से किसी पे भी। उसके बाद
हमें इस इमेज को डाउनलोड करना है, यहाँ पे शेयर के बगल में, यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से आप। उसके बाद हमें बनाना है, इसका डाउनलोड करना है, सॉरी इमेज को डाउनलोड करना है हमें थंबनेल को। यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन पे बगल में एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, सेव एज इमेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कस्टम पे होगा, कस्टम पे क्लिक कर दीजिए, अल्ट्रा पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव टू गैलरी कर दीजिए। इससे हमारा थंबनेल HD में पूरा डाउनलोड होगा, इससे फोटो फटेगा नहीं हमारा थंबनेल। उसके बाद हमें इसमें शेप देना है, कोई भी शेप, जैसे कि यहाँ पे कैसे बनाएं के ऊपर डिलीट कर देते हैं पहले, कैसे बनाएं, इसका यहाँ पे डिलीट कर दीजिए इसको सबसे पहले। तो उसका हमें एक शेप के अंदर लिखना है, इसको शेप के अंदर लिखना है। इसका एक शेप ले लीजिए शेप वाला ऑप्शन पे, उसके बाद इसको क्रॉप कर लीजिए थोड़ा, उसके बाद क्रॉप कर लीजिए थोड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा फोटो के ऊपर आ गया इसका शेप। हमें फिर से लेयर और ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ऊपर से नीचे उठा के इस पर नीचे कर दीजिए। देखिए हमारा पीछे चल गया है, फिर से सीख लीजिए इसको। लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, वापस इसको उठाइए, एकदम कोना से जो चार चार दो दो बिंदु करके चार बार दिया है उसी पे क्लिक कीजिएगा। देखिए मैं फिर से उठा दूंगा, हमारा फ़ोटो पे आ गया, फिर से इसको नीचे कर दूंगा, हमारा फ़ोटो के पीछे चला गया। उसके बाद हमें इसमें फ़ॉन्ट लिखना है अपना, जैसे कि मैं लिखता हूँ YouTube का थंबनेल कैसे बनाएं, कैसे बनाएं लिखना, डबल टैप करके ओपन कर लीजिए इसको, इनेबल कर लीजिए, कैसे बनाएं हो गया, ओके कर दीजिए। उसके बाद हमें इसका कलर चेंज करना है, वापस आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा, कलर का ऑप्शन होगा ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक अच्छा रहेगा। उसके बाद फॉन्ट चेंज कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए यहाँ पे फॉन्ट हमारा। देखिए हमारा बन गया YouTube का थंबनेल कैसे बनाएं। इस तरह से आप अपना YouTube का थंबनेल बना सकते हो, YouTube के लिए बैनर बना सकते हो इसी ऐप से अपने YouTube चैनल के लिए। सो दोस्तों इस तरह से आप अपना YouTube के लिए थंबनेल और बैनर बना सकते हो इस ऐप से। सो दोस्तों वीडियो जरा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे में दावे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।